हमारे पास खजाना है, लेकिन खजाने की न तो चाबी है और उसके अंदर क्या क्या है जब तक जानेंगे नहीं, तब तक हमारी उत्सुकता बढ़ेगी नहीं। और अगर हम उत्सुक नहीं होंगे तो कैसे हम इन नायाब प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरे लोगों को बता पाएंगे और खुद उस कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये जो मैंने 17 प्रोडक्ट आप लोगों के लिए ऐसे ही पिक किए हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। अगर आप लोगों को इस जानकारी को और विस्तार से लेना है और प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो हम इस तरह का सेशन फिर से करेंगे, फिर से वापस से चर्चा करेंगे। आज के लिए मैंने सिर्फ ये 17 प्रोडक्ट चुने हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो ऐसे बहुत सारे फेवरेट प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में मुझे जब से जितनी जानकारी है उनको देख के ऐसा लगता है कि हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जानकारी मुझे है मुझे आप तक जरूर से पहुंचानी चाहिए। और ये सब जानने के बाद मुझे ये यकीन है कि हम जब खुद प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उस एहसास के साथ यूज करेंगे कि हम इस प्रोडक्ट में ये चीजें हैं या ये हमारे लिए ये फायदा कर सकता है। और इसी तरह से जब हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो दूसरे लोगों को भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, देखिए आपको पता है कि इतना तो बायस्ड मैं होंगी कि सबसे पहले कीसोल के बारे में बात करूंगी। तो आज मैंने पिक किया है वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं कीसोल ग्लो अप रोज डिलाइट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी फैमिली का प्रोडक्ट है क्योंकि आज हम सब चाहते हैं कि हमारा चेहरा हमेशा तरोताजा रहे, हमारे चेहरे पे हमेशा क्लीनिंग रहे, चाहे हम मेकअप करते हो या नहीं करते हो। जैसे कि पुरुष साथी जितने भी हैं वो ज्यादातर मेकअप नहीं करते हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे वो ग्लो रहे, हमारा चेहरा साफ सुथरा रहे और हम चाहे जिस भी उम्र के हैं लेकिन हम यंग दिखने चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सही तरीके से अपने चेहरे को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करें, टोनिंग करें और उसको हमेशा फ्रेश रख सके। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने कमाल करके दिखाया है। पिछले 1 साल में ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है। उसका कारण यही है कि चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं इस प्रोडक्ट को यूज करके उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है। वो जो गुलाब की महक है और साथ में इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग करने वाले जो तत्व हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए और टोन करके रखती है, यानी कि हमारी स्किन को लूज नहीं होने देती है, हमारी स्किन को हमेशा तरोताजा और फ्रेश बना के रखती है। बस इसको करना इतना सा है कि या तो इसको हम स्प्रे करके कॉटन के अंदर इस प्रोडक्ट को ले लें या फिर आंख बंद करके पूरे चेहरे पे स्प्रे कर लें और कॉटन से हम एकदम सॉफ्ट हाथों से चेहरे को सुबह और शाम दोनों वक्त इससे क्लीन कर लें। तो ये एक ऐसा आसान सा सोल्यूशन है जहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ रहा लेकिन हमारे चेहरे पे वो ताजगी जरूर ये प्रोडक्ट देगा जो हम सालों से ढूंढते आ रहे थे। तो ये कोई मामूली सा गुलाब जल नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारे ऐसे तत्व डाले गए हैं जिससे कि हमारे चेहरे को जो देखभाल की जरूरत होती है ये प्रोडक्ट बहुत आसानी से बहुत इजीली कर देता है। तो ये सारी जो भी पीपीटीज है मैं आप सबको हिंदी में, हम ऑलरेडी वेबसाइट पे हमने ये सारी डाउन अपलोड करके रखी है, आप जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं कीसोल के सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल। अगला प्रोडक्ट जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि एक बार फिर से जो हमारा इंटीमेट वॉश है चाहे वो मैन हो या वुमेन हो ये हर घर की जरूरत है। या ये मैं कहूँ कि अगर हमने एक बार ये निश्चय कर लिया कि हमें कीसोल की पहचान को हर घर तक पहुंचानी है तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है वो पहचान दे सकता है। क्योंकि पहली बात तो आज की डेट में इस तरह का कोई प्रोडक्ट मार्केट में कोई बनाता नहीं है और अगर कोई बना भी देता है सपोज तो उनके अंदर ये तरीका नहीं है जिस तरह से हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक किसी भी घर में जहां पे महिलाएं हैं जहां पे पुरुष है इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है पर क्यों कीसोल के ही इंटीमेट वॉश को यूज करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आज आप लोगों के बीच में बात करने के लिए आई हूँ। वो ये है कि इसके अंदर हमने वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो किसी भी इंटीमेट वॉश को एक परफेक्ट
रूप देगा, जैसे कि इसमें हमने डाला है लोटस एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल, लैक्टिक एसिड, मिंट, विटामिन ई, B5, एलेंटॉइन, सी बकथ्रोन, एलम। ये एलम वही चीज है जो पुराने जमाने में लोग हम को पानी में फिट करी घुमा के जो यूज करते थे नहाने के लिए, उसी एलम को हमने इस्तेमाल किया है इस प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कि हम वो प्राकृतिक नेचुरल तत्वों के साथ भी जो आज प्राचीन काल से यूज होते आ रहे हैं उन वो एलिमेंट भी हमने इस प्रोडक्ट में दिया है। और साथ ही में हमने इसको करवाया है डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि जो त्वचा विशेषज्ञ होते हैं उनसे टेस्ट करवा के इसको सर्टिफाई करवाया है, जिससे कि हम जब भी इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब हम पूरे निसंकोच निश्चिंत होके इस प्रोडक्ट को यूज कर सकेंगे। इसके अंदर बहुत सारे प्लांट बेस्ड हमने एक्सट्रैक्ट डाले हैं, ये सल्फेट फ्री है, एल्कोहल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबीन फ्री है, यानी कि ये हमारे इंटीमेट एरिया के पीएच को बैलेंस करने में सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी अपने इंटीमेट एरिया के पीएच को बैलेंस करना जरूरी है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हमको और महिलाओं को नहीं हो। तो ये बिना किसी हार्मफुल केमिकल के एक बहुत ही सेफ प्रूवन डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड, फिर से कहूंगी, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में इस्तेमाल होना ही चाहिए। और एक बार जो इसको यूज कर लेगा उन्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इस प्रोडक्ट को बोल रही हूँ कि ये हमारी पहचान बन सकता है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। तो जिन्होंने अभी तक कीसोल मेंस इंटीमेट वॉश यूज नहीं किया है या नहीं इसके बारे में समझा है, ये हर घर की जरूरत है। इसी तरह से जो फीमेल इंटीमेट वॉश है, आज इस प्रोडक्ट की वजह से हम जो बदलाव लेकर आ पाए हैं, आज लाखों महिलाओं तक हमने ये ऑलरेडी प्रोडक्ट पहुंचा दिया है, और इसके रिजल्ट देख के, खास तौर से इस रिजल्ट देख के लोग कीसोल को ओवरऑल एक्सेप्ट करने लगे हैं, कीसोल को लोग पसंद करने लगे हैं कि यहाँ पे अगर इस सोच के साथ महिलाओं के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक केयर, एक कंसर्न के साथ प्रोडक्ट बनाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इस बार हमने फीमेल इंटीमेट वॉश को भी हमने डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्ट करवाया है, जिससे कि आप जब भी खुद इस्तेमाल करें तब भी आपको पूरी तरह से संतुष्टि हो, और जब आप दूसरों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो पूरा कॉन्फिडेंटली बोल सके कि हमारा प्रोडक्ट एब्सोल्युटली सेफ है, क्योंकि इसके अंदर भी हमने वो सारे तत्व डाले हैं जो एक फीमेल इंटीमेट एरिया को, पीएच को बैलेंस कर सके, और साथ में आपको कई सारी जो परेशानियां महिलाओं को सालों से होती आ रही है उससे बचा सके, चाहे वो नॉर्मल सा ईचिंग का प्रॉब्लम हो, खुजली का प्रॉब्लम हो, जलन हो, या फिर इन्फेक्शन जो बार बार महिलाओं को होता है। यहाँ पे जितने पुरुष बैठे होंगे शायद आप लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाएं यहाँ पे बैठी है या आपके घर की महिलाओं को जब भी आप इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, चाहे वो आपके सामने यस बोले या नहीं, लेकिन अंदर से सब जानते हैं कि इस प्रोडक्ट की नीड कितनी ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं इस बारे में बात नहीं करती हैं, वो चुपचाप सहती रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है, बल्कि ऑलरेडी वक्त इससे पहले ही आ गया था, कि हम एक सिंपल सा प्रोडक्ट को यूज करके अगर इतनी सारी प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं तो हमें समझ के इस प्रोडक्ट को जरूर से हर घर में आदत के रूप में हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो हुए कीसोल के बारे में। अब बात करती हूँ मैं एक ऐसी क्रीम के बारे में, ये एक ऐसी मल्टीपर्पज क्रीम है जो मुझे लगता है यहाँ पे सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या खास बात है? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे विटामिन और ऐसी ऐसी चीजों को डाला गया है जो हमारी त्वचा के लिए, मतलब एक इसी को इसीलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपर्पज क्रीम, कि ये हमारी स्किन को एक ऐसा इफेक्ट देगी जो हम 12 महीने यानी कि हर मौसम में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे त्वचा पे हम फेस पे लगाना चाहें, हम बॉडी पे कहीं पे भी लगाना चाहें। ये बहुत ही कमाल की क्रीम है, इसके अंदर एलोवेरा है, बहुत सारे विटामिन हैं इसके अंदर, और ये इतनी लाइट वेट है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी ऑयली स्किन है तो हमें इसे लगाना चाहिए कि नहीं, कई लोगों की ड्राई स्किन है तो हमें इसे लगाना चाहिए कि नहीं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत लाइट वेट और 24 आवर्स हाइड्रेशन देने वाली एक ऐसी क्रीम है जिसको हर घर में ये क्रीम होनी ही चाहिए। तो अगर अभी तक किसी के घर में ये क्रीम नहीं आई है
तो एक बार तुरंत इस क्रीम को आजमा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इसको यूज भी कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि इसके अंदर इतने सारे विटामिन हैं जो हमारे त्वचा को इतनी विटामिन की जरूरत होती है। इसके अंदर एलोवेरा है जो हर कोई जानता है कि त्वचा के लिए एलोवेरा क्या काम करता है। अगला प्रोडक्ट जो मैं बात कर रही हूँ वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कहते हैं ना कि खाली चेहरे की सुंदरता से नहीं, अगर किसी को अगर हमें जानना हो तो वो अपने पैर किस तरह से रखते हैं, अगर आपने वो देख लिया तो इंसान की आपको नेचर समझ में आ जाएगी कि उनके फुट कैसे हैं। ये बड़ी मतलब इसके ऊपर एक कहावत भी है, तो ये बहुत सही बात है कि हम अपने पैरों का किस तरह से ख्याल रखते हैं। ये समझ में अगर आपने ये देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ओवरऑल हम किस तरह के इंसान हैं, या हम सिर्फ दूसरों को दिखाने में नहीं बल्कि अपने आप के लिए भी जीना जानते हैं। तो ये एक ऐसी फूड क्रीम है जो मैं कहूंगी मेरी तो फेवरेट है। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि जब मैं इस फूड क्रीम को नहीं लगाती हूँ, और इसी वजह से कई सारे लोगों को इससे इतनी राहत मिली है, खास तौर से सर्दियों में जिन लोगों के पैर फट जाते हैं। अगर हम इस क्रीम को हर रोज अगर पैरों को धो के अगर लगाते हैं, अगर आप 2 टाइम लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहाने के बाद और रात को सोने से पहले, पर रात को पैरों को धो के अगर हम इस क्रीम को लगा लेते हैं तो चाहे कोई भी मौसम हो, किसी भी तरह की स्किन हो, आपके पैर मात्र 15 दिन के यूज में ऐसे हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि इनका चेहरा ज्यादा साफ है कि इनके पैर ज्यादा साफ है। वाकई में ये कोई कमाल का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर भी ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जैसे कि वीट जर्म ऑयल, विटामिन ई, ए, डी और ऐसे बहुत सारे दूसरे तत्व जो हमारे पैरों की देखभाल, क्योंकि जो हमारी पैरों की जो चमड़ी होती है ना वो बड़ी सख्त होती है, तो उसको हील करना कोई आसान काम नहीं होता है। आप ये सोचे कि हम जो नॉर्मल क्रीम चेहरे पे लगाते हैं वो लगा ले तो हमारा पैर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो इतनी हार्ड जो स्किन है उसको रिपेयर करने के लिए, खास तौर से वो जो क्रैक्स आ जाते हैं, जो पैर फट जाते हैं, उसको हील करने के लिए जरूरी है कि हम ऐसी चीज लगाएं जो वहां पे जल्दी से, मैंने आपको कहा 15 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट रिजल्ट मिलता है। तो एक्चुअली में इसको, क्योंकि ये जो हमारी डेड स्किन होती है उसको एक्सफोलिएट करता है, मतलब उसको हटा देता है, और हमारे चेहरे जो जो पैरों की जो एकदम हार्ड स्किन होती है उसको भी वो बहुत सॉफ्ट कर देता है। तो ये एक कमाल का प्रोडक्ट है, और मुझे लगता है अगेन ये पूरा फैमिली प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के पैर फटते हैं, पुरुष भी चाहे वो सॉक्स भी पहन के रखते हैं तो भी उनकी स्किन वहां से हार्ड ही रहती है, इसीलिए जरूरी है कि ये प्रोडक्ट सबको यूज करना चाहिए। अच्छा मैं जानना चाहूंगी सबको ये सब जानकारी लेके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऐसा लग रहा है हमें तो ये सब पता है हमें नहीं जानना है, और अगर पता भी है तो क्या हम ये सब चीजें नोट कर सकते हैं? क्योंकि अगर अभी तो मैंने बता दिया कि इसके अंदर वीट जर्म ऑयल है, लेकिन अगर कभी किसी और को जब हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, या हमारे सामने प्रोडक्ट नहीं है और हमें लोगों को बताना है कि हमारे पास एक फुट क्रीम है जो कमाल के रिजल्ट देती है, तो आपको अगर ये भी पता है कि इसके अंदर वीट जर्म ऑयल है और ये हमारी डेड स्किन को हटाने में काम करता है, खाली इतना सा ये दो चीजें याद करके और विटामिन ई, ए और डी, ये तीन चीजें अगर हमने बोल दी तो हम बहुत सारे लोगों को समझा सकते हैं कि ये क्यों प्रोडक्ट इतना अच्छा काम करता है। तो चलिए थैंक यू, आप लोगों ने चैट बॉक्स में जो रिप्लाई लिखा है इसका मतलब आप आगे के प्रोडक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो हमें जो भी पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं जो लोगों को बताने के लिए काम में आएंगे उनको नोट जरूर करिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, कि वो हम जब पढ़ाई करते थे तो स्कूल में टीचर हमको नोट्स लिखवाती क्यों थी, सब कुछ तो बुक में लिखा होता है फिर भी नोटबुक में लिखवाती थी। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जब हम अपने हाथों से उसको अपनी डायरी या नोटबुक में लिखते हैं तो वो चीज हमारे जहन में बैठ जाती है, और जब भी हमें याद करना होता है तो वो पूरी किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने नोट्स में देख के जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हमने नोट करी है वो हम फटाफट से देख के फिर से याद कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो नाइसा का फेस वॉश है ये भी एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट हमने सुने हैं देखे हैं, इसका एक बहुत शानदार वीडियो भी हमारे पास मीडिया कॉर्नर में है वेबसाइट पे जाके, कितने लोगों ने देखा है इसका वीडियो,
और कितने लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि ये जो टी ट्री ऑयल बेस्ड ये जो फेस वॉश है, ये एक ऐसा फेस वॉश है जो हमारे चेहरे पे जो पूरे दिन भर की डर्ट और जो मैल जो सब जमा हो जाता है उसको क्लीन करने में काम करता है। और टी ट्री ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो स्किन पे, इसमें कार्डमम ऑयल भी है इसके अंदर, यानी कि जो इलायची का तेल होता है, ऑरेंज ऑयल है, लेमन ऑयल है, इस तरह के इसके अंदर ऑयल्स का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। और इसी वजह से ये जो फेस वॉश है, ये छोटी सी जो ट्यूब है ना, ये कमाल की ट्यूब है, क्योंकि कई सारे लोगों को ये पिंपल्स और ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है, या फिर कई लोगों की बहुत ऑयली स्किन होती है, उन लोगों के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और मुझे पता है कि कई लोगों को फेस वॉश यूज करने की आदत नहीं होती, कई लोग आज भी साबुन से अपने चेहरे को धोते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि हम जो अपने चेहरे पे जो इतनी मेहनत करते रहते हैं, तो जरूरी है कि सही मीडियम से अपने चेहरे को वॉश किया जाए। बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी होती, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके बहुत जेंटली पानी से गीला करके अपने फेस पे फेस वॉश को लगा के अगर धो लेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों मैं एम्फेसिस कर रही हूँ कि हमको साबुन से नहीं बल्कि फेस वॉश से हमें अपना चेहरा धोना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है इसके हमने इतने सारे टेस्टिमोनियल्स देखे हैं, कई लोगों के जो सालों पुराने पिंपल्स की प्रॉब्लम थी वो इस प्रोडक्ट को यूज करने से दूर हो गई है, कई लोगों को इसको यूज करने से जो फ्रेशनेस महसूस होती है वो उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी अपने चेहरे पे इतना फ्रेश फील नहीं किया होगा। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसको हमने बहुत सारे हर्ब्स के साथ बनाया है, मतलब कि जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां जो होती है उनको यूज करते हुए, उनके एक्सट्रैक्ट्स को निकाल के जो बनाया है ये प्रोडक्ट, ये इसी कारण ये बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, आप अगर मार्केट में देखेंगे ना, जहां पे ये इस तरह का एक भी, जैसे अगर किसी ने टी ट्री ऑयल भी डाला होगा ना, वो उसकी प्राइस को इतना बढ़ा चढ़ा कर प्लेस करते हैं कि लोग सोचते हैं कि फेस वॉश सिर्फ जिनको महंगे प्रोडक्ट यूज करने हैं उनके लिए है। तो हमारे पास तो एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में एक ऐसा कमाल का फेस वॉश है जो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हर घर में देने की जरूरत है। मैंने आज वही प्रोडक्ट्स पिक किए हैं जो फैमिली के अंदर हम बहुत आसानी से जिन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इनको यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपने आप को चेक कीजिए कि क्या हम वाकई में ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ किसी को बता रहे हैं ये प्रोडक्ट, क्या हम जिन लोगों तक भी, आज हमने नई ज्वाइनिंग की बात करी, हमारी सूची बनाने की बात करी, क्या हमने ये सारे प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचाने की कोशिश की और की, तो क्या ये सारी बातें बता के की? क्योंकि हमारे पास, मैंने जैसा कहा कि बहुत बड़ा खजाना है, पर उस खजाने की चाबी से लेके उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितने हीरे होती हैं, क्या क्या चीजें हैं, अगर ये पता ही नहीं होगा तो हम कैसे लोगों को वहां तक पहुंचा पाएंगे। अगला प्रोडक्ट ये है पेनगो। देखिए, ऐसा सभी के साथ होता है कि हमें कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी किसी कारण से खेलते खेलते गिर गए, कभी कुछ चोट लग गई, किसी को बैक एक हो रहा है, किसी को सर में दर्द हो रहा है, किसी को पैरों में दर्द हो रहा है, कहीं किसी को मस्क्यूलर पेन हो रहा है, मतलब ये तो बहुत आम सी चीज है जो हर रोज होती है। तो हम सबको ऐसा लगता है कि कैसे भी करके कुछ इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, मतलब कुछ ऐसा मिल जाए कि हमको बहुत जल्दी से बस आराम मिल जाए। तो आप सब जानते हैं कि पेन किलर्स तो हमारी हमारी किडनी पे क्या इफेक्ट करती है, तो वो तो हम अवॉइड ही करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा ऑइंटमेंट जो नेचुरल एक्टिव्स के साथ बना हुआ हो और जो बिल्कुल फास्ट हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, जो बिल्कुल नॉन ग्रीसी जेल हो, जो और हमारे हर तरह के मस्कुलर पेन या जॉइंट पेन को ठीक कर दे, तो पेनगो एक ऐसा ऑइंटमेंट है। इस पेनगो से मुझे एक बात याद आई, मेरा ही एक आप लोगों को एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी हॉस्टल में पढ़ती है और मैंने उसको एक पेनगो दे के रखी है कि वो जब स्पोर्ट्स खेलती है तो कई बार गिर जाती है, कभी लग जाती है, तो ये पेनगो लगा लिया करो। तो एक बार इत्तेफाक से उसकी किसी फ्रेंड को चोट लग गई और उसने इमीडिएटली अपनी पेन को आके लगाई,
उस दिन के बाद उसका शाम को मुझे फोन आया कि मम्मा, उसको इतना रिलीफ मिला उसके साथ कि मेरे हॉस्टल की सारी लड़कियों ने मुझे एक एक पेन को भेजने के लिए ऑर्डर दिया है। तो ये मतलब मुझे उस दिन इतनी खुशी महसूस हुई कि हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम वहां, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो कुछ भी नहीं जानती थी प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन उसके रिजल्ट इतने जबरदस्त थे कि यूजुअली जो बच्चे ऐसे चोट लग जाती है तो कुछ स्प्रे करते हैं, बट आइडियली वो जो स्प्रे वाले ऑइंटमेंट्स होते हैं वो उतने सेफ नहीं होते हैं जिस तरह से वो बनाए गए होते हैं, क्योंकि वो मोर देन रिलीफ, वो हमारे उस सेंसेशन को खत्म कर देते हैं, तो वो उतने ठीक नहीं बने हुए होते हैं। लेकिन हमने ये जो प्राकृतिक तत्वों के साथ ये जो पेन को बनाया है, ये पूरी तरह से सेफ है और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तो मैं तो ये पेन को अपने बैग में रखती हूँ, अपने हर जगह के जहां पे भी हमारा फर्स्ट एड किट रहता है हर जगह रखती हूँ, और ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। मतलब मेरा एक और फेवरेट प्रोडक्ट अगर मैं कहूंगी तो ये पेन गो है। तो जितने लोगों ने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है, इट इज मतलब आपको करने की जरूरत नहीं पड़े ये प्रोडक्ट, मैं तो ये चाहूंगी, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो इसको जरूर से ट्राई करिए। और ये हमारे को लोगों को बताने के लिए ये एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है। जब इस तरह के प्रोडक्ट काम करने लगते हैं ना, तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, किस तैयारी के साथ बनाए जाते हैं, और हमारी जैसी कंपनी तो किसी को कहीं मिलेगी नहीं जहाँ हम इतनी ओपनली आपको सारे इंग्रेडिएंट्स, एक एक चीज हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं हम वही करते हैं। तो ये भरोसा लोगों को हम पे हो जाएगा जब हम इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह के फीचर्स और एकदम ओपनली सबको बताएंगे। ये एक ऐसा टूथपेस्ट है जो मुझे लगता है कि मैंने, जैसे कल भी मैंने आप लोगों से कई दांतों के ऊपर बहुत सारी चर्चा करी, और मुझे लगता है कि है तो हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग, लेकिन अगर जब तकलीफ देता है ना, तो ऐसा लगता है कि इससे बुरा पेन कोई और हो नहीं सकता है। मतलब आप में से कई लोगों ने वो दांतों का दर्द अगर कभी भी जिंदगी में महसूस किया हो, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसा कि टीसी सर ने हमको एक आदत तो डलवाई दी है कि हमको सिर्फ सुबह नहीं बल्कि रात को सोते वक्त भी ब्रश करना चाहिए, तो हमारे पास एक ऐसा टूथपेस्ट है जिसके अंदर फिर से बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक तत्व है, जैसे कि इसके अंदर क्लोव है, सिनेमन है, मतलब यानी कि लौंग हो गई, दालचीनी हो गई, इसमें अकरकरा है, इसमें फिटकरी है, इसमें अखरोट की छाल है, और ऐसे कई सारे प्राकृतिक तत्व हैं जो हमें, हम सब जानते हैं कि पुराने जमाने में वो जो जड़ी बूटियों से जो दातुन करते थे तो उनके दांत हमेशा स्ट्रांग रहते थे। ये हमने उसी तरह के प्राकृतिक जड़ी बूटियां इस टूथपेस्ट के अंदर डाली है, और अगर हम लगातार इस टूथपेस्ट का यूज करते हैं तो जो कई लोगों को सेंसेशन हो जाती है, कई लोगों को कैविटीज हो जाती है, उसको हम बहुत हद तक इससे बचा सकते हैं। तो देखिए, हमको सबसे पहले तो जरूरी है कि हमने अपनी वो आदत डाली कि नहीं डाली कि हमें रात को पेस्ट करके ही सोना है, मतलब हमें ब्रश करके ही सोना है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में। एक और चीज मैं आज बताना चाहूंगी कि पेस्ट को कभी भी बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में जरूरत होती है। बस इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम किस फॉर्म में हम ब्रश कर रहे हैं, कैसे सर्कुलर फॉर्मेशन में हम ब्रश ब्रश कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको अपने गम्स और टीथ के ऊपर घुमा रहे हैं। लेकिन ये जो टूथपेस्ट है ये एक बहुत ही, मतलब हमारा जो व्हाइट वाला टूथपेस्ट है और ये जो रेड वाला टूथपेस्ट है, मतलब मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो हम तो जो करते हैं कि सुबह के समय हम व्हाइट वाला करते हैं, रात के समय में हम रेड वाला करते हैं, जिससे कि हमारे जो माउथ है वो फ्रेश भी रहे और हमारे टीथ किसी भी तरह के गम्स और कैविटी में हमें किसी तरह कोई तकलीफ ना हो। तो बेसिकली ये दांतों को सफेद बनाने में भी काम आता है, ये प्लैक और इस तरह की कैविटी से भी हमें दूर रखता है, और ये हमारे गम्स को भी सुरक्षित रखता है। तो ये जो टूथपेस्ट है, इसके ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसको हमें जरूर से समझ के और बताना चाहिए। अब मैं आ जाती हूँ कुछ खाने पीने की तरफ। बहुत सारी हमने अपनी त्वचा के लिए और अपने शरीर के लिए बातें कर ली, तो लेकिन अब अपने पेट की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे पता नहीं कितने लोगों को इसके बारे में मालूम है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया था
मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में मैंने भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन करे थे। मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम ये अलग अलग कॉम्बिनेशन की जगह हम एक ऐसा मसाला बनाएं जो हमारे जितने भी तरह के मेन व्यंजन बनते हैं उसमें ये एक ही मसाला काम कर जाए। तो हमने इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि आपके ये जो अलग अलग पकवान बनते हैं, चाहे वो चना मसाला हो, पुलाव हो, पनीर की सब्जी हो गई, दाल मखनी, पाव भाजी, दम आलू, किसी भी तरह की और कोई भी जो हम जिसमें स्पेशल मसाला डालना चाहते हैं, हमारे जो रूटीन के मसाला, उसके लिए ये जो कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी है आपकी, उसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है ये बड़ा कमाल का टेस्ट देता है। मैंने कल भी इसके साथ हमारा जो किनोवा है वो बनाया था, किनोवा पुलाव बनाया था, और बहुत ही इसका बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आता है ये नॉर्मल मसालों से। तो अगर हम ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो अपनी किचन में जरूर से इसको मंगवाइए, और पुरुषों से मैं कहूंगी कि इसको ऑर्डर करके अपने घर में महिलाओं को दीजिए और बोलिए कि ये जो इस बार पकवान बनाए या इस बार कोई भी डिश बनाए तो उसमें इस मसाले को ट्राई करें। क्योंकि देखिए मसाले तो सारे प्राकृतिक होते हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर बनाया है वो जो टेस्ट दे रहा है वो हमारे खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देगा और एक मसाला सारा काम कर जाएगा। देखिए रोटी तो हम सब खाते हैं, लेकिन कई बार हमें ये पता नहीं होता है कि हमें अगर एक एडिशनल हमारे आटे के साथ अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाए तो ये हमें क्या कमाल दे सकता है। आप में से कितने लोग हैं उन्होंने मल्टीग्रेन आटा हमारा स्वेच्छा वाला ट्राई किया है? तो उसकी रोटी सॉफ्ट बनती है कि नहीं बनती है? तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और हम कोशिश भी यही करते हैं कि हम ऐसा भोजन खाएं जिसमें हमारे मैक्सिमम न्यूट्रिशन की प्राप्ति हो जाए। वो हो नहीं पाती है वो एक अलग बात है, इसीलिए हमें न्यूट्रीचार्ज की हमेशा जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश अगर ये करें कि हमारे खाने में जो हम खास तौर से जो हर रोज खाते हैं उस खाने में हम मैक्सिमम पोषण ले सकें, और खास तौर से हम बच्चों के लिए ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हम बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक खाना दे, तो हमारा ये जो मल्टीग्रेन आटा है इसको किस तरह से डिजाइन किया गया है मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हमने इसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें अनाज भी हो, दालें भी हो, प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, असेंशियल ऑयल्स भी हो, और साथ ही में मिनरल्स भी हो। तो बताइए कि ये जो कॉम्बिनेशन अगर एक आटे में डाल दिए, अब वो कैसे पॉसिबल हुआ? तो अनाज के रूप में हमने इसमें डाले हैं ओट्स, गेहूं, मक्की और राजगीरा। दाल की अगर मैं बात करूं तो हमने इसमें डाला है चना और सोयाबीन। प्रोटीन में हमने इसमें आइसोलेट सोया प्रोटीन डाला है जो अलग से हम एक्सट्रैक्ट आता है प्रोटीन के रूप में। फाइबर में हमने इसमें व्हीट ब्रैन और व्हीट फाइबर अलग से ऐड किया है। हमने इसके अंदर फ्लैक्स सीड डाले हैं जो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्लैक्स सीड ओमेगा में कितना रिच होता है। इसमें मेथी दाना, सिंगाड़े का आटा, ये दोनों डाल के हमने मिनरल्स की पूर्ति करी। तो आप सोचिए कि ये कितना गजब का कॉम्बिनेशन है, और साथ में जो इससे रोटी बनती है ना, ऐसा लगता है कि इस रोटी के अंदर कुछ अलग से मोयन डाला गया है, इतनी सॉफ्ट नरम रोटी बनती है। तो जिन्होंने अभी तक ये आटा ट्राई नहीं करा है, मेरे कहने पे एक बार अब की बार ये आटा ट्राई करिएगा। आपको हम इतनी बढ़िया मात्रा में जो फाइबर और प्रोटीन हमें इसमें मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ में रोटी खाने का आनंद ही बढ़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हमें लोगों को जरूर से बताने चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ में आएगा कि किस सोच के साथ एक एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिजाइन किया जाता है और कैसे हमारे न्यूट्रिशन का ध्यान रख के आटे को भी डिजाइन किया गया है। ये कॉम्बिनेशन है जो हमने लगभग 6 महीने हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना बना के, अलग अलग तरह के ट्रायल्स करके, फिर क्लिनिकल स्टडी करके, फिर उसके बाद लैब्स में इनको जांच करा के, तब जाके ये आटा हमने बनाया था। पर बस ये है कि हम लोग ये सब बातें आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो किस प्रकार बनाते हैं, लेकिन अब जरूरी हो गया है कि क्योंकि हम अपने साथ जिन लोगों को जोड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमारे इन नायाब प्रोडक्ट्स की वजह से जुड़े, हमारे इन वैल्यूज की वजह से जुड़े जो हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी डाले हैं।
और वो तभी हो पाएगा जब आप ये सारी जानकारी रख के उन तक पहुंचाएंगे ये सब चीजें। क्योंकि आप मात्र इस पैकेट को दे देने से, पैकेट तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बार देखे हैं, कई बार हम पीयूसी वंडरवर्ल्ड पे जाते हैं वहां देखा है, पर क्या कभी गौर किया कि ये कैसे बनाया गया? तो ये एक ह्यूमन नेचर होती है कि हमें कई चीजों को जरूरी है कि हम बोलकर समझाएं। अगर मैं खाली ये स्लाइड्स आज आप तक रन कर देती तो क्या आपको समझ में आता कि इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, इतने सारे एसेंशियल ऐसे तत्व है जो हमारे शरीर की हर रोज की जरूरत है, और ये आटा बहुत मददगार साबित होगा हमारी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्योंकि रोटी तो हर घर में बनती है, मुझे पता है कि कई जगह डेली हम चावल खाते हैं, पर कई बार हम रोटी भी खाते हैं। सर्दी के दिनों में जो खास एक प्रोडक्ट जो है, जो बहुत काम का प्रोडक्ट है बच्चों से लेके बड़ों तक, आज जैसे मोनालिसा ने हमको बताया कि प्राणायाम और हम जो भी व्यायाम करते हैं हमें ये जो सर्दी के दिनों में फाइट करने में बड़ा मदद करता है। मैं मोनालिसा की बात से 100% अग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है कि मैं जब से रेगुलर, मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं रेगुलर सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ, अगर एक्सरसाइज नहीं होती है तो मैं रनिंग करती हूँ, और मुझे उसके बाद से बहुत ज्यादा डिफरेंस महसूस हुआ कि मैं किस तरह से भरी सर्दी, मतलब भीलवाड़ा में भी बहुत ठंड पड़ती है और उस ठंड के मौसम में भी मैं बहुत आसानी से सुबह 5 बजे 5:30 बजे भी मैं आराम से बाहर एक्सरसाइज कर पाती हूँ। तो वो कारण यही है कि हमें इंटरनली अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना पड़ता है, तभी जाके हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काम करती है। तो ये जो च्यवनप्राश है, ये जो संजीवनी प्राश आंवला है, इसके अंदर भी वैसे ही कुछ इंग्रेडिएंट्स को डाला गया है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। इसके अंदर सफेद मुसली है, शायद ये टर्म्स कई लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन आप सबको मैं बता देती हूँ कि बहुत कम इस तरह के मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं जहाँ ये इतने इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रख के इसके अंदर डाला जाता है। हमने इसके अंदर 40 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों को इसके अंदर डाला हुआ है। तो इसके अंदर है सफेद मूसली जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, और ये हमारे स्ट्रेस लेवल को, हमारे तनाव को भी दूर करने में हेल्प करता है। इसके अंदर शतावरी है जो हमारी जो सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, उसमें मदद करता है। आंवला हम सब जानते हैं कि सर्दी के दिनों में क्यों बोला जाता है आंवला खाओ, क्योंकि ये इसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारे सर्दी के दिनों में हमें खास तौर से बहुत मदद करता है। इसके अंदर गोखरू है जो खांसी को फाइट करने में हेल्प करता है, मतलब जल्दी से आपको खांसी से रिलीफ मिलती है। इसी तरह के मैंने पूरी लिस्ट इसमें ऐड नहीं करी है, पर 40 से भी ज्यादा हमने इसके अंदर जड़ी बूटियां डाली है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर फैमिली के अंदर होना चाहिए, और खास तौर से वैसे तो मैं कहूंगी 12 महीने ही खाना चाहिए, लेकिन जहाँ एक्सट्रीम गर्मी होती है तब हम अवॉइड करते हैं ऐसे गर्म करने वाले पदार्थों को। तो हम लगभग 9 महीने तो हमें कम से कम ये प्रोडक्ट का कंजम्पशन डेली कुछ मात्रा में पूरी फैमिली को करना चाहिए, जिससे कि हम अंदर से स्ट्रांग रह सकें। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य सही होगा तो दुनिया में हर चीज करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, हमारी इच्छा रहेगी, और अगर हम थोड़े से भी बीमार होते हैं तो हर चीज हमें बेमानी लगने लगती है। तो अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन बहुत जरूरी है। ये एक और प्रोडक्ट है जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं इसे हर रोज पीती हूँ, और इसको पी के मतलब ऐसा लगता है कि जो भी थकान है या काम का बहुत प्रेशर है या काम करने की एनर्जी कम हो रही है, ये फिर से मुझे एनर्जेटिक कर देता है। ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, और मैं कहूंगी कि आप सबको इस प्रोडक्ट पे गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ना, ये किसी के पास नहीं है। अब इसमें क्या खास बात है, कोई बता सकता है मुझे? कोई भी चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि हम क्यों इस प्रोडक्ट में इतने अलग हैं, क्या खास बात है इसके अंदर? हम यूज तो करते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर, मतलब हमारे अंदर हम जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में, जब आपने बहुत सारे तरह के ग्रीन टी देखे होंगे, बहुत सारे तरह के कावा देखे होंगे, वो बैग के फॉर्म में आते हैं, मतलब कि डिप फॉर्म में आते हैं, जिसको पानी में डिप करते हैं और उसका पूरा एक जो एसेंस है उसके अंदर आता है, फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमने इसके अंदर क्या किया है इस कावा में,
इसको आपको पाउडर को पूरा ही पानी के अंदर डाल के घोलना है, यानी कि जो बैग में जिस चीज को हम थ्रो कर देते हैं, जो प्राकृतिक जरूरी जड़ी बूटियां हैं उसको तो हमने थ्रो कर दिया, खाली उसका एसेंस हम पीते हैं। इसके अंदर हमने इसको टी बैग फॉर्म में नहीं बनाया बल्कि पाउडर फॉर्म में बनाया, जो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, लेकिन वो जरूरी प्राकृतिकता तो हमारी शरीर के अंदर भी साथ में जाते हैं, क्योंकि हम उसको टी बैग में नहीं बल्कि पाउडर फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो गरम गरम कावा है ना, ये इतना रिफ्रेशिंग कावा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इतने सारे, मतलब सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। ये सारे ऐसे प्राकृतिक नेचुरल और प्राचीन काल से मशहूर जो जिन जड़ी बूटियों की हम बात करते हैं, जिनका सेवन हमें करना चाहिए, खास तौर से सर्दी के दिनों में हमें जिस इम्यूनिटी की जरूरत होती है, जिस चीज से हमारा गला ठीक रहता है, क्योंकि कई सारे सेशंस लेने होते हैं तो मुझे पूरे दिन भर में कई बार 5 से 6 घंटे बोलना होता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरे गले को कुछ ऐसी राहत भरी चीजें मिले जो मुझे आराम भी दे और रिफ्रेश भी करे। तो ये एक वैसा कावा है जो हमारी अंदर के टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालती है, क्योंकि इनमें हमने बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो बॉडी की टॉक्सिसिटी जो हो जाती है हमारे अंदर, जो जो चीजों को बाहर निकलने की जरूरत होती है, वो ये आसानी से काम करता है। ये डाइजेशन में बहुत कमाल का हेल्प करता है, ये सर्दी खांसी में भी बहुत ज्यादा, मतलब आपको खुद महसूस होने लग जाएगा जब आप इसको पियेंगे कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, और इतना इजी है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, इस पाउच को अपने साथ रखिए, गर्म पानी में मिलाइए और पी जाइए, ना कुछ छानने की जरूरत है, ना कुछ और आपको ऐड करने की जरूरत है, मतलब इससे सिंपल इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर कोई गेस्ट भी आया है तो बस पानी गर्म किया, इसको घोला और पिला दिया। आप अगर कहीं ट्रैवल में कर रहे हैं, कहीं से गर्म पानी या तो हम बॉटल में साथ रखें या फिर हम कहीं से पानी अरेंज करें, मिक्स किया और पी लिया, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे टेस्ट को भी अच्छा लगेगा, हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा लगेगा, और साथ में हमारी फिर से एक ऐसी पहचान बनाएगा कि हम कितनी सोच के साथ, किस अध्ययन के साथ प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ये वो प्रोडक्ट दर्शाता है। तो अब बताइए कि क्या ये प्रोडक्ट हर घर में पहुंचाने लायक है कि नहीं? अब बारी आती है बच्चों के पोषण की। देखिए, ये एक ऐसी कैटेगरी है जो मुझे लगता है कि आज की डेट में हम सबकी जरूरत है। मतलब न्यूट्रीचार्ज ने हमको वो कर दिखाया जो शायद लोग मतलब कहते हैं ना कि आज की डेट में न्यूट्रिशन का अभाव, ऐसा कोई शरीर नहीं है जहाँ नहीं है, और आज की डेट में जिस तरह से बीमारियां हो रही है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो हर कोई चाहता है कि मेरे को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तो मेरे पास होना ही चाहिए, वो घर में चाहे कोई भी सदस्य हो, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। मुझे पता है कि आप सब न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रीचार्ज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सब कुछ आपको पता है, लेकिन बस इतना चेक कर लीजिए कि क्या आप रेगुलर बेसिस पे न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज मैन का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और अगर आप कर रहे हैं तो क्या आप जितने लोगों को जानते हैं, क्या आपने उनको सही तरीके से इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी? क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ है बताने के लिए। आज आप सोचिए, अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन जब मैं किसी को बताती हूँ ना, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो हमारे इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सके। हमारे इसमें 50 पोषक तत्व, 13 फलों का ऐसा मिश्रण है, ये गजब का एंटीऑक्सीडेंट है, और ये महिलाओं के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है, क्योंकि हमें जिन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो ये सारी जरूरतों को पूरा करता है। तो आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे खजाना है कि जितना बताएं उतना कम है। मैं तो अभी आपसे कुछ ही प्रोडक्ट्स की चर्चा कर रही हूँ, पर हम बस कई बार ये गलती कर जाते हैं कि हमने एक दो प्रोडक्ट बता दिए। जैसे हम हेल्थ गार्ड ऑयल तो लोगों को बता देते हैं जैसे ही हम लोगों से मिलते हैं, पर हमारी कहानी वहीं क्यों रुक जाती है? हमें इतने सारे जो दूसरे प्रोडक्ट है उसके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए ना, क्योंकि जब इतना सब कुछ है, जरूरत तो हर घर की है, न्यूट्रिशन तो हर घर को चाहिए, हर कोई चाहता है कि हम सब
कि हमें किसी और एडिशनल मेडिसिन्स की जरूरत ना पड़े। तो फिर आप सोचिए कि हर घर में बच्चे हैं, हर घर में महिलाएं हैं, हर घर में पुरुष है, तो इन सारे ही प्रोडक्ट्स की सभी की जरूरत है ना। तो आप आज सिर्फ इतना चेक कर लीजिए कि क्या हम ये सब प्रोडक्ट्स रेगुलर यूज कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या हम लोगों को बता रहे हैं, और अगर हमने लोगों को एक बार बता भी दिया तो क्या इन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा फॉलोअप की जरूरत पड़ेगी। कई लोग 1 महीना न्यूट्रिशन लेके समझते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अरे जब रोज खाना खाने की जरूरत है तो रोज न्यूट्रिशन की भी तो जरूरत है। तो ऐसे थोड़ी है कि 1 महीना लिया और हमको उसके बाद कभी कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जब तक हम हैं तब तक हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत है। अब बारी आती है एक एक अलग तरह के प्रोडक्ट की, कि हम कहीं पे भी जाते हैं। मैंने खास तौर से आज ये बैग जो पिक किया है ये इसलिए किया है कि हमने ये जो बैग है ना ये आप लोगों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आप देखिए कि इसमें आज आरसीएम का लोगो इतना प्रोमिनेंट है कि जब भी आप कहीं जाएं तो इस बैग को अगर कैरी करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये तो आरसीएम परिवार के सदस्य हैं। इसके अंदर जो पॉकेट्स हैं, जो साइज इसका डिजाइन किया गया है, अगर आप लैपटॉप कैरी करते हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें डाल सकते हैं। अगर आप एक दिन के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना तब भी इसमें अपना एक एक ड्रेस का सेट रख सकते हैं। इसमें इतनी स्पेस है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ऑफ पॉकेट्स, पानी की बॉटल से लेके एक एक चीज। इस बैग को आज मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि ये बैग हम कहीं जाएंगे तो साथ में कुछ लेके तो जाएंगे, लेकिन अगर हम कुछ और ले जाने की बजाय अगर ये बैग को लेके जाएंगे तो ये परफेक्टली स्पेशियस भी है, साथ में ये हमारी आरसीएम की आइडेंटिटी को शो करता है। तो इसीलिए हम इस बैग का नाम है हीरो बैग, बैकपैक। तो इसका नाम हीरो इसलिए दिया है क्योंकि हम इसको जब पहनते हैं ना, जब इस बैग को यूज करते हैं तो वो हमारी आरसीएम की आइडेंटिटी को, हीरो क्या होता है कि किसी भी मूवी का या किसी भी फिल्म का वो एक आइडेंटिटी बन जाता है, उसकी वजह से मूवी को जाना जाता है। तो अगर हम कहीं पे कुछ नहीं भी बोल रहे हैं ना, इस बैग को हम जहां जहां कैरी करेंगे वहां वहां आरसीएम दिखाई देगा। तो इसीलिए हम इस बैग को जिसने भी यूज नहीं किया है, अगर आप नहीं करते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस बैग को एक बार यूज करना स्टार्ट करें। और बहुत ही अच्छा स्पेशियस ये बैग है और बहुत ड्यूरेबल ये बैग है। आज एक एक प्रोडक्ट की तरफ आप सबका अटेंशन लेना चाहूंगी। ये फिलहाल कुछ ही दिनों पहले एक हमने शू लॉन्च किया, और हमने जब ये शू डिजाइन किया था तो हमने खास तौर से जो डिजाइनिंग टीम है उनको ये कहा था कि ऐसा कुछ शू डिजाइन करो, क्योंकि आज के डेट में बहुत लोगों को बहुत चलना पड़ता है और लोगों को पैरों में दर्द की जो समस्या है ना ये एक बहुत आम समस्या हो गई है। तो उनको वो कंफर्ट मिलना चाहिए चलते वक्त या रनिंग करते वक्त, जो एक्सरसाइज करते हैं वो, अगर सुबह वो कोई व्यायाम करते हैं या रनिंग करते हैं तो वो, या फिर आजकल का जो चलन है लोग अपने काम पे भी स्पोर्ट्स शूज पहन के जाने लगे हैं। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि लोगों को वो कंफर्ट चाहिए पूरे दिन पैरों के अंदर, जिससे कि उनको किसी तरह की थकावट महसूस ना हो, पैरों में कोई दर्द ना हो। तो ये एक इतना अमेजिंग शू बन के आया है नया, जिसको आप रनिंग में, जिम में, वॉकिंग में, वर्कआउट पे, ट्रैवल में, कहीं पे भी जा रहे हैं, यानी कि या फिर अगर दिन भर काम में भी पहनना चाहते हैं ना, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या डिफरेंस किया है, एक तो इसको बिल्कुल लाइट वेट बनाया है, बिल्कुल लाइट वेट, मतलब यानी कि अगर जो 7 नंबर का जूता है ना वो मुश्किल से 500 ग्राम का भी नहीं होगा, मतलब उतना ही वेट उसका होगा। इसको पूरा नेल फ्री कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें कहीं पे भी कील नहीं लगी है, इसको पूरा एक अलग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और इसका जो सोल है उसके अंदर दो तरह के सोल में हमने काम किया है। एक तो है कि जो जो ऊपर जिस सोल पे जहां हमारा पैर रखता है वो, और साथ में जो मिडिल सोल है, दोनों के अंदर हमने एक्स्ट्रा कुशनिंग डाली है, जिससे कि आप जब हर स्टेप को रखेंगे तो आपको वो कंफर्ट महसूस होगा। और इसका जो आउटसोल है वो भी पूरा फ्लेक्सिबल है, मतलब कि जहां हमें टच हो रहा है, जहां हमारे फुट टच होंगे, वो भी एकदम सॉफ्ट तरीके से आप इसमें पैरों को, मतलब हर स्टेप पे आपको वो महसूस होगा कि क्या इसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी है और क्या इसके अंदर हमको वो कंफर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक शू है
जो आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए, और साथ में लोगों को भी बताना चाहिए कि हम अगर फुटवेयर भी बना रहे हैं तो वो इस सोच के साथ, इस दृष्टिकोण से बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस जूते को कितना अट्रैक्टिव, एकदम कलरफुल बनाया है। साथ ही में इसमें ये दो और कलर्स डाले हैं कि जिसको ब्लैक कलर पहनना है, जिसको थोड़ा लाइट शेड पहनना है, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन मतलब हमने इसमें ट्राई किए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन फ्यूचर हमने इस कैटेगरी के ऊपर भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं कि कहते हैं ना कि सर से लेके पैरों तक हमें आराम मिलना चाहिए, और साथ ही में हमारी पहचान भी, जैसे कि हमने अभी पैरों की बात की थी कि कोई अपने पैर कैसे रखता है, उसी से उसकी पहचान हो जाती है कि वो कैसे अपनी देखभाल करता है। इसी तरह से कहते हैं कि कोई किसी ने जूते कैसे पहने हैं ना, वो देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है। तो हम इस पूरी कैटेगरी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी कर रहे हैं, आपको कंफर्ट के साथ स्टाइल हम कैसे बेहतर तरीके से दे सके उस पे हमारी पूरी कोशिश चल रही है। तो ये एक हमारा, ये समझ लीजिए कि ये हमारा पहला ऐसा इनोवेशन है जो एक पूरी पैरेट कैटेगरी को एक नई पहचान दे देगा। बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट है, जिन लोगों ने इस शू को पहना है उनके बहुत अच्छे फीडबैक्स भी हैं।